सो गाइस शेयर मार्केट की बेसिक टू एडवांस सीरीज में आपका स्वागत है, जहां पे दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं वो सब चीजें जो हमें शेयर मार्केट से पैसा बनाने में बहुत हेल्प करने वाली है। अब गाइस अगर आप शेयर मार्केट बिल्कुल जीरो लेवल से सीखना चाहते हो तो ये सीरीज आपके बहुत काम आने वाली है, बट आपको कंसिस्टेंसी से बने रहना पड़ेगा। अब दोस्तों आपने सुना होगा कि भाई शेयर मार्केट में इस भाई ने इतना पैसा लगाया था और इसका यहां से भाई दो गुना तीन गुना चार गुना हो गया, ठीक है। या फिर मान के चलो भाई एग्जाम्पल के लिए कि भाई टाटा मोटर्स में किसी भाई ने पैसा लगाया था 400 रुपए के भाव पे और आज 1000 रुपए शेयर चला है, तो जिसने 400 रुपए पे 1 लाख लगाया तो उसका तो भाई लगभग इस टाइम पे 2,20,000 रुपए के आसपास पोर्टफोलियो चल रहा है। तो इसी तरीके से बहुत सारे एग्जांपल आज के टाइम पे हमारे पास आते हैं। बट आपके पास ऐसा भी ऑप्शन आया होगा कि एक भाई ने यस बैंक के अंदर या फिर पेटीएम के अंदर पैसा लगाया, उसका पैसा आधा रह गया, यानी कुछ लोगों का तो भाई पैसा डूब भी जाता है, ठीक है, ऐसा भी होता है, आपने सुना होगा। बट ये होता क्यों है ये बेसिक से कोई नहीं बताता। गाइस आज की वीडियो में आपको पूरा समझाने वाला हूँ, ठीक है, कि शेयर मार्केट क्या है। अगर आप बिल्कुल जीरो लेवल से सीखना चाहते हो ना, आई होप कि आप सीखना चाहते हो तभी आप इस वीडियो पे आए हो। अगर आप सीखना चाहते हो तो आपको बेसिक से सीरीज को पूरा वॉच करना है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। जैसे मैं कंसिस्टेंसी से आपके लिए वीडियोस आने वाले हैं, वैसे ही आपको कंसिस्टेंसी से इस पूरी सीरीज को वॉच करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, पहले अपन बात करते हैं, शेयर मार्केट को हटाते हैं, पहले हम मार्केट की बात करते हैं, ठीक है, सिंपल मार्केट की बात करते हैं, यानी बाजार की बात करते हैं। अब आप मार्केट में जाते हो तो मार्केट में आप कुछ ना कुछ खरीदने जाते हो या फिर कुछ ना कुछ बेचने जाते हो, दोनों में से कुछ हो सकता है ना। या तो आप कुछ खरीदने जाओगे या फिर या तो आप बाय करने जाओगे या फिर कुछ बेचने जाओगे। दो टाइप के लोग होते हैं ना, एक होता है शॉपकीपर, मार्केट के अंदर नॉर्मल भाषा में बात करते हैं, पहले आप दुकान में जाते हो, एक आप हो बायर खरीदने वाले, एक है सामने वाला वो बेचने वाला। अब मान के चलो आपको कोई शर्ट पसंद आती है जबरदस्ती, अब आप उस शर्ट को पहले पसंद करोगे, आपको पसंद आ गई, आप उसका भाव पूछोगे, ठीक है, आप उसका भाव पूछोगे यानी आप खरीदना चाहते हो, फिर शॉपकीपर यानी सामने वाला आपको बोलेगा कि भाई अगर आपको ये शर्ट लेनी है तो आपको 5,000 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है, उसकी वैल्यू होगी ना, उसका एक प्राइस टैग हो गया। बट सेम चीज अगर आप वही शर्ट, मतलब सेम क्वालिटी की शर्ट ऑलमोस्ट अगर आप लोकल मार्केट में जाओगे लेने तो वो 5,000 की आपको 500 रुपये में मिल जाएगी, या फिर हो सकता है 1,000 रुपये में मिल जाए, सेम चीज होगी लेकिन ब्रांड वैल्यू का डिफरेंस होगा। तो दोस्तों मार्केट के अंदर आपको पता ब्रांड वैल्यू का बहुत डिफरेंस आता है, तो जब भी कोई शॉपकीपर होगा वो अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग उसका प्राइस रखता है। अगर मान के चलो आप एक 5,000 रुपये की शर्ट को लोकल मार्केट में लेते हो तो आपको 1,000 रुपये की मिल जाएगी, ठीक है, तो वही होता है ब्रांड। तो एक शॉपकीपर होगा, बेचने वाला एक खरीदार होगा, तो सामने वाला बेच रहा है भाई 5,000 रुपये में बेच रहा है, अगर आपको लेना है तो लो या फिर नहीं, बट लेकिन आप बीच में बार्गेनिंग भी करते हो, ठीक है, ये सब मार्केट के अंदर चलता है। तो आप खरीदते हो बेचते हो, एक उसका प्राइस है, एक वैल्यू है, ये सारा जो खेल है ना दोस्तों शेयर मार्केट के अंदर भी प्राइस का ही सारा खेल है, ठीक है, सारा जितना भी खेल है वो भाव का है। इसलिए बोलते भी हैं कि भाव भगवान छे, मतलब भाव भगवान है शेयर मार्केट के अंदर। प्राइस अल्टीमेटली प्राइस इज एवरीथिंग। ये चीज़ आप आज लिख के ले लो और इसको नोट कर लो कि भाई शेयर मार्केट के अंदर जो भी है वो प्राइस है, बाकी कुछ नहीं है। अब गाइस नॉर्मल अब आते हैं अपन शेयर मार्केट के बाद। अब गाइस शेयर मार्केट में जब हम आते हैं तो आज की डेट में तो हालांकि बहुत से तरीके शेयर मार्केट में पैसा कमाने के आ चुके हैं। आप ट्रेडिंग करके पैसा कमा सकते हो, आप ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो, फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हो, इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हो, स्टॉक्स ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हो, स्टॉक्स को इंट्राडे में खरीद सकते हो, बेच सकते हो, और साथ में आप ETFs के अंदर ट्रेड कर सकते हो, बॉन्ड्स के अंदर ट्रेड कर सकते हो, कमोडिटीज के अंदर ट्रेड कर सकते हो, इवन इसके अलावा भी बहुत कुछ। तो ट्रेड करके तो आप बहुत कुछ पैसा बना सकते हो, प्लस इसके अलावा आप इन्वेस्टिंग कर सकते हो, ठीक है। आपको दोस्तों आज की डेट में लगभग 4500 से ज़्यादा स्टॉक्स आज की डेट में आपको लिस्टेड मिलते हैं। अब लिस्टेड कहाँ पे होते हैं सुनना ध्यान से, मेनली जो दो हमारे एक्सचेंजेस हैं NSE और BSE, यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसके अलावा भी है MCX वगैरह, बट अपन NSE और BSE की ही बात करें जो हमारे मतलब की बात है। अब NSE और BSE के अंदर स्टॉक लिस्टेड है। अब मान के चलो आपने देखा होगा टाटा मोटर लिस्टेड है। अब ऐसे बहुत से ब्रांड टाटा के हो गए, आप टाटा पावर हो गया, टाटा स्टील हो गया, और अडानी से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं, अडानी पावर, अडानी विल्मर, ठीक है, अडानी टोटल गैस, ऐसे बहुत से स्टॉक शेयर मार्केट के अंदर लिस्टेड है। अंबानी का आप देखो, रिलायंस इंडस्ट्रीज़,
वो शेयर मार्केट के अंदर लिस्टेड है। अब इन सब ब्रांड का ना, ये ब्रांड में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली वो एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट करते हैं। टाटा अपने आप में एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट करता है, अडानी अपने आप में एक अलग ब्रांड वैल्यू क्रिएट करता है, उसी तरीके से रिलायंस इंडस्ट्रीज उसकी अलग वैल्यू है। तो हर एक वैल्यू की दोस्तों प्राइस जो है शेयर मार्केट के अंदर वो अलग अलग है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अपन बात करें रिलायंस की, तो आज की डेट में जब मैं वीडियो बना रहा हूं दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो शेयर का भाव चल रहा है लगभग 2900 के आसपास चल रहा है, ठीक है, जब मैं वीडियो बना रहा हूं 3000 के आसपास चल रहा है। उसी तरीके से अगर बात करें हम टाटा मोटर्स की, अभी मैं आपको समझाऊंगा दोस्तों सारी चीजें, आप ध्यान से सुनना। अब टाटा मोटर्स का भाव लगभग आज की डेट में 1000 रुपये चल रहा है, बट अगर आप डेढ़ साल पहले देखें इस भाव को, इट्स नियर अबाउट 400 रुपीज, 400 रुपये के भाव पे, 400 रुपये से 1000 रुपये आ चुका है। और अगर एक साल पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज का प्राइस देखें तो 2200 रुपीज था, वो बढ़ गया। अब बोलते भी थे भाई शेयर मार्केट हो या इंसान, अल्टीमेटली जाना सबको ऊपर ही है, ये कहावत बड़ी फेमस है आज की डेट में, बट ऐसा भी नहीं है भाई, कभी कभी शेयर मार्केट डुबकी भी लगाता है बड़ी तकड़ी, और जब डुबकी लगाता है तो इन्वेस्टर्स का बहुत तकड़ा लॉस होता है। अभी रिसेंटली आप देखो इलेक्शन के दौरान 10% के आसपास मार्केट डाउन आ गया था, 9.23% के आसपास, और विद इन 20 मिनट्स इन्वेस्टर्स के भाई 30 लाख करोड़ से ज़्यादा नुकसान हुआ है, बहुत तकड़ा। तो ऐसा सब कुछ होता है, पर हालांकि शेयर मार्केट के अंदर ये सब चीज़ें कॉमन है, ये गिरना बढ़ना, मंदी का दौर, तेजी का दौर, ये सब कॉमन है। अब देखो शेयर मार्केट के अंदर NSE और BSE के अंदर कंपनीज लिस्टेड हो गई, तो जितनी भी ऑल ओवर कंपनीज हैं, बैटरी बनाने से लेकर के यानी एग्रीकल्चर हर सेक्टर की, ऑटो सेक्टर, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, अपना सोलर सेक्टर, EV सेक्टर, जितने भी सेक्टर की कंपनीज हैं, ठीक है, जो हमारे बेसिक नीड्स की कंपनी है, लाइक जो हमारे जो बेसिक जो आप इक्विपमेंट यूज़ करते हो, आप वॉच वो यूज़ कर रहे हो टाइटन की, गोल्ड ज्वेलरी पहन रहे हो टाइटन के डिज़ाइन आप यूज़ कर रहे हो, वो सब कंपनीज कहीं ना कहीं से उनका जो लिंक है वो मार्केट से लिंक है, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। शेयर मार्केट में आज की डेट में मैक्सिमम हर एक कंपनी लिस्टेड है, जो एक ब्रांड वैल्यू वाली कंपनी है वो लिस्टेड है। अब दोस्तों जो कंपनी लिस्टेड है आप उसके अंदर इन्वेस्ट भी कर सकते हो, ट्रेड भी कर सकते हो, ठीक है। अपन पहले बात करते हैं इन्वेस्टिंग की, ठीक है। अब मैं गाइज आपको बेसिक से समझा रहा हूँ, समझने की पूरी कोशिश करना, ठीक है। अब नियर अबाउट 4500 से ज़्यादा कंपनीज आज की डेट में लिस्टेड है, 4500 से ज़्यादा स्टॉक्स आज की डेट में लिस्टेड हैं, और डेली किसी ना किसी स्टॉक के अंदर 5% अपर सर्किट, 5% डाउन, 5% अपसाइड, अपर सर्किट नहीं अपसाइड मोमेंटम, तो कई स्टॉक्स में तो अपर सर्किट भी लगता है, डाउन सर्किट भी लगता है, ये सब चीज़ें आगे बताएंगे। बट लेकिन आप ये समझो कि कोई शेयर 1000 रुपये का था वो 1000 रुपये से 1100 भी जाता है, और कोई शेयर ऐसा है जो 1000 रुपये से 900 भी आता है, और 500 वाला शेयर 600 जाता है, फिर 520 जाता है, मतलब ऐसे प्राइस का बढ़ना घटना चला रहता है शेयर मार्केट के अंदर, ठीक है। तो जो इन्वेस्टिंग होती है ना, जब अपन बात करते हैं इन्वेस्टिंग की, तो इन्वेस्टिंग हम नॉर्मली दो टाइप से करते हैं शेयर मार्केट के अंदर। एक होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म का मतलब हो गया कि भाई आज आपने पैसा लगा दिया शेयर मार्केट के अंदर, और अगले आप 5-10 सालों के लिए आप लगा करके बैठ गए, या फिर 2-3 सालों के लिए आप शेयर मार्केट के अंदर पैसा लगा करके बैठ गए। आपको पता है कि भाई निफ्टी का जो एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट आज की डेट में, रेट ऑफ रिटर्न जो मिल रहा है, नियर अबाउट 12-13% एवरेज रहता है, तो वो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो गए। अब इन्वेस्टिंग के अंदर दूसरे होते हैं दोस्तों शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर, ठीक है। शॉर्ट टर्म मतलब जो छोटी अवधि के लिए, मतलब 3-4 महीनों के लिए, 5 महीनों के लिए, या फिर अगर यूँ कहूँ कि 1 साल के लिए, 1 साल को भी भाई मैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर में क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि 1 साल के अंदर भी भाई एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर ही रहेगा, अगर कोई 5-10 सालों के लिए तो वो बहुत लॉन्ग टर्म, ठीक है। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो भाई आज से 2000 के आसपास से अभी तक के लिए शेयर्स होल्ड करके रखे हैं। अब 2000 पे जो, मतलब सन 2000, ठीक है, 2000 पे जो शेयर का भाव भाई 100 रुपये चल रहा था, वो आज भाई हज़ारों में है, कई हज़ारों में है। और आप MRF के एग्जांपल ले लो, आज 1.5 लाख के आसपास शेयर चल रहा है। इस तरीके से बहुत से शेयर्स मार्केट के अंदर हैं। वो पैसा बनेगा जो कंपाउंडिंग वाला पैसा बनता है ना शेयर मार्केट के अंदर, वो ऑलवेज इन्वेस्टिंग से बनता है। अब इन्वेस्टिंग कैसे कैसे कर सकते हैं मार्केट के अंदर, देखो सबसे पहले आप किसी भी कंपनी को आप खरीद सकते हो शेयर मार्केट के अंदर, आप किसी भी कंपनी के शेयर्स बाय करते हो। अब मान के चलो आपको एग्जांपल के लिए टाटा की, टाटा पावर कंपनी का, ठीक है, एग्जांपल आपने टाटा पावर कंपनी का, आपको बिजनेस मॉडल अच्छा लगता है, आपने टाटा पावर कंपनी के अंदर हिस्सेदारी लेनी है, तो आपने टाटा पावर कंपनी के अंदर हिस्सेदारी ले ली, आपने उस शेयर को खरीद लिया, ठीक है, उस शेयर को आपने खरीद लिया। मान के चलो आपने 100 क्वांटिटी उस शेयर की खरीदी, 100 शेयर आपने खरीदे और भाव चला है लगभग 400 रुपीज, आपने लगभग 40,000 के इन्वेस्टमेंट कर दी किसके अंदर, टाटा पावर के अंदर।
आपने इन्वेस्ट कर दिया, अब अल्टीमेटली आप कहीं ना कहीं 0.001% हिस्सेदारी पा रहे हो किसकी, टाटा मोटर्स की, क्योंकि अल्टीमेटली टाटा मोटर्स की कंपनी के अंदर आप अपना पैसा लगा रहे हो। अब मान के चलो ये शेयर 400 रुपये से बढ़ जाता है, ठीक है, 400 रुपये से ये शेयर बढ़ेगा लॉन्ग रन में, मान के चलो 400 से 600 जाता है, तो जो दोस्तों आपने 40,000 लगाया था ना अपना, ये 40,000 भी आपका बढ़ करके ऑलमोस्ट 60,000 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। तो शेयर मार्केट इन्वेस्टिंग से पैसा ऐसे बनता है, ठीक है, ऐसे पैसा बनता है। तो आप अगर वो शेयर बढ़ेगा तो आपका पैसा ही बढ़ेगा। अब मान के चलो अगर वो शेयर नहीं बढ़ता है, आपने पैसा लगा रखा है, वो शेयर नहीं बढ़ा तो 400 भी रहा तो भाई आपका पैसा इक्वल रहेगा, मान के चलो 400 से घट के 300 रह गया एग्जाम्पल, तो आपका पैसा भी 40,000 से घट के दोस्तों 30,000 रह जाएगा, ठीक है। तो आप इक्विटी में पैसा लगा रहे हो, मतलब आप डायरेक्ट शेयर ले रहे हो, इट मीन्स कि आप उस कंपनी के ओनर बन रहे हो। अगर कंपनी घाटे में जाती है तो आप भी घाटे में जाओगे, कंपनी प्रॉफिट में जाती है तो आप भी प्रॉफिट में जाओगे। अब मान के चलो कंपनी का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट हो जाता है, बहुत बढ़िया प्रॉफिट हो जाता है, तो कंपनी क्या करती है, कंपनी दो तीन तरीकों से आपको प्रॉफिट देती है। पहला होता है दोस्तों डिविडेंड इनकम, और इसको मैं बहुत जबरदस्त इनकम मानता हूँ क्योंकि ये पैसिव इनकम है आपकी, एक पैसिव इनकम है। अब लाइक वेदांता कंपनी होगी, बहुत जबरदस्त डिविडेंड देती है, IOC कंपनी बहुत जबरदस्त डिविडेंड देती है। हालांकि आगे जैसे जैसे आप ये वीडियोस देखते रहोगे आपको सारा कुछ समझ आता रहेगा। ऐसी बहुत सी कंपनी है जो अपने प्रॉफिट के हिस्से में से, मान के चलो किसी कंपनी का 10,000 करोड़ प्रॉफिट हो गया एग्जाम्पल के लिए, तो वो कंपनी चाहेगी कि यार जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं ना, अपन ना उनको कुछ ना कुछ इंसेंटिव या फिर डिविडेंड के तौर पे उनको कुछ एक तोहफा दें। तो वो क्या करेंगे, 1,000 करोड़ का डिविडेंड ऑफर कर देंगे। उसके अंदर से मान के चलो एक शेयर के ऊपर जो उसकी फेस वैल्यू होती है उसके ऊपर मान के चलो वो 10 रुपये का डिविडेंड दे देती है एक शेयर के अंदर, एक शेयर के ऊपर आपको 10 रुपये का डिविडेंड दे देती है। अब मान के चलो आपके पास 100 शेयर हैं, 100 शेयर आपके पास हैं, तो 10 रुपये का डिविडेंड आपको दे रही है, तो आपको 1,000 रुपये तो दोस्तों डिविडेंड के आ जाएंगे, 1,000 रुपये डिविडेंड के आ जाएंगे। और गाइज आपको बताऊं मैं, डिविडेंड्स है ना कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स है जो बहुत करोड़ों में भी भाई डिविडेंड आता है उनको। आप सर्च करना हाईएस्ट डिविडेंड पेइंग कंपनी एंड हाईएस्ट डिविडेंड पेड, आप सर्च करके देखना, करोड़ों रुपये में डिविडेंड होता है, ठीक है। तो ये जस्ट मैंने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया। मान के चलो आपके पास 10,000 शेयर हैं किसी कंपनी के, 10,000 शेयर्स आपके पास हैं, अगर आपको 10 रुपये भी डिविडेंड मिलता है तो गाइज आप देखो 1,00,000 रुपये डिविडेंड आपको मिल रहा है, ठीक है। और कुछ कंपनीज तो ऐसा है कि दोस्तों जो 30-30, 40-40 रुपये डिविडेंड भी देती हैं, ठीक है, थीके? तो ऐसे बहुत से तरीके हैं। तो ये जस्ट एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम हो गया इन्वेस्टिंग से। तो इन्वेस्टिंग से क्या हो गया कि भाई हम किसी शेयर के अंदर, किसी भी कंपनी के शेयर के अंदर अपन इन्वेस्ट कर रहे हैं फॉर लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म के अंदर, तो वो कंपनी ग्रो करेंगी तो आपका पैसा भी ग्रो करेगा, अगर वो कंपनी मान के चलो डाउन जाती तो आपका पैसा भी डाउन जाएगा। तो ये होता है शेयर मार्केट इन्वेस्टिंग, राइट। सो गाइज इसके बाद इन्वेस्टिंग के अंदर आप क्या कर सकते हो, देखो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट अगर आप करते हो ना, पहले अपन इन्वेस्टिंग की ही बात करेंगे, बाद में ट्रेडिंग पे आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है ट्रेडिंग पे आए, आज शायद बहुत बड़ी ना वीडियो बन जाए, अगर पॉसिबल हो तो आज भी आ सकते हैं। देखो अब इन्वेस्ट के ऊपर बात करते हैं, देखो ठीक है, इन्वेस्ट के अंदर अपने पहले बात कर ली कि आप डायरेक्ट शेयर्स यानी इक्विटी के अंदर पैसा लगा सकते हो। दूसरा हो गया दोस्तों म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स। अब म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, मैंने पूरी डिटेल में वीडियोस बना के समझाया, बट फिर भी समझा देता हूं कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर दोस्तों एक फंड हाउसेस होते हैं जिनके पास आप क्या करते हो, जस्ट एक फंड के अंदर चूज करते हो, आप एक फंड चूज करोगे जिसके अंदर आप पैसा लगाओगे, अगर वो फंड फिर आपका पैसा खुद ही मैनेज करता है। और एक म्यूचुअल फंड ऑलमोस्ट लगभग 30 से 40 कंपनीज में पैसा लगाता है जो सिलेक्टेड कंपनीज होती हैं, तो वो म्यूचुअल फंड आपका पैसा लगाएगा, मतलब पैसा आपका ही होगा, बट उसको आपने एक ऐसे हाथों में दे दिया जिनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, और वो पैसा आपका अल्टीमेटली लगाएंगे तो शेयर मार्केट के अंदर ही। बट लेकिन कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जो डेब्ट हो गया, जैसे कंपनी बॉन्ड हो गया, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गया, गोल्ड बॉन्ड्स हो गया, अलग अलग चीज़ें हैं उसके अंदर पैसा लगाती है। बट अगर इक्विटी की बात करें, इक्विटी म्यूचुअल फंड की, तो वो जो इक्विटी के अंदर पैसा लगाएंगे अल्टीमेटली वो पैसा आपका शेयर मार्केट में ही लगता है, ठीक है। तो वो आप एक फंड हाउसेस को पैसा दे रहे हो कि भाई आप ये लो मेरे 10,000 रुपीज़ महीना आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप इन्वेस्ट करो, ये दूसरा तरीका होता है इन्वेस्टिंग का। अब इसके बाद होता है दोस्तों ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। तो आज के टाइम पे दोस्तों ETF इन्वेस्टिंग बहुत ज़बरदस्त इन्वेस्टिंग है अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो। इसके ऊपर मैंने पूरी आपको डिटेल में समझाया हुआ, आई बटन पे वीडियो आ रहा है ETF वाली, वो भी देख लेना, ठीक है। मतलब जस्ट आप इंडेक्स के ETFs को आप खरीद सकते हो, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों होता है शेयर मार्केट से आप डायरेक्ट बॉन्ड्स के अंदर पैसा लगा सकते हो। बॉन्ड्स के अंदर, अब बॉन्ड्स क्या होते हैं, जस्ट लाइक गोल्ड बॉन्ड्स।
अब मान के चलो आप गोल्ड के अंदर पैसा लगाना चाहते हो दोस्तों, अगर गोल्ड के अंदर आप पैसा लगाना चाहते हो तो सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है गोल्ड के अंदर? वो होती है गोल्ड बॉन्ड्स या फिर फिजिकल गोल्ड। अगर आप फिजिकल गोल्ड बाय करते हो तो वो भी मच बेटर है, बट गोल्ड बॉन्ड्स के अंदर ना तो आपको GST चार्ज होता है, ना आपको एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, ना आपको मेकिंग चार्ज देना होता है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये सब तरीके हैं नॉर्मली शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टिंग के, इसके अलावा भी बहुत हैं बट लेकिन ये अपने काम के हैं बस, इसके अलावा ज़्यादा अपने काम के नहीं हैं। हाँ, ये अपने काम के हैं। अब देखो इन्वेस्टिंग के अंदर अपने बात के लिए कैसे इन्वेस्ट होता है, अपन शेयर मार्केट के अंदर जा रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, ठीक है? अगर वो शेयर बढ़ेगा या फिर घटेगा तो उसके अंदर हमें प्रॉफिट एंड लॉस होगा। बट लेकिन अब बात करते हैं ट्रेडिंग की, ठीक है, जिसके लिए मैक्सिमम लोग शेयर मार्केट में आते हैं। अब दोस्तों ट्रेडिंग क्या होता है? देखो ट्रेडिंग एक व्यापार, व्यापार ट्रेडिंग क्या है? अब देखो आप शेयर मार्केट के अंदर जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं, ट्रेडिंग के अंदर आपको कोई शेयर आप ले रहे हो, मान के चलो आपने आज अपन बात करते हैं किस शेयर को उठाएं, चलो टाटा स्टील को उठा लेते हैं, ठीक है? टाटा स्टील, आपने टाटा स्टील का शेयर पिक कर लिया, ठीक है? उसका भाव चला था भाई 160 रुपया, ठीक है? 160 रुपया, और आपने शेयर को पिक कर लिया ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से, मतलब एक दो दिन के लिए आप लेना चाहते हो, आपने बाय कर लिया, ठीक है? आपने बाय कर लिया और उस शेयर का भाव बढ़ गया 180 रुपीज। ये जो दोस्तों डिफरेंस होता ना प्राइस के बीच का डिफरेंस, 20 रुपया, 20 रुपया मूव कर गया ना। अब मान के चलो आपने 1000 शेयर्स इसके बाय करे थे और 20 रुपया बढ़ गया इंटू 20, तो आपके सीधा सीधा 20,000 रुपीज़ प्रॉफिट आपके खाते में आ गया। बट लेकिन अगर ट्रेडिंग में दोस्तों दोनों चीज़ें चलती है, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, राइट? अब मान के चलो ये शेयर आपने खरीदा बट लेकिन ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से खरीदा था आपने कि 2-3 दिनों के लिए मैंने पैसा लगाना है ट्रेड करने के लिए, और वो शेयर नहीं बढ़ा, वो शेयर वापस से 150 आ गया और आपने खरीदे थे 1000 शेयर, तो -10 हो गया ना भाई, वो तो फिर -10 × 1000, -10,000 रुपये का घाटा, ठीक है? तो ट्रेडिंग एक ऐसा व्यापार है जिसमें आप शेयर्स के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हो, ऑप्शंस के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हो, फ्यूचर्स के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हो। जब अपन ट्रेडिंग की बात करते हैं ना तो ट्रेडिंग में आप ये समझ जाओ कि हम एक सर्टेन लेवल पे, एक ऐसे प्राइस पे कोई भी शेयर को पिक कर रहे हैं कि जहां से हमें लगता है कि ये शेयर ऊपर जाएगा, अगर मान के चलो ऊपर नहीं गया, नीचे आ गया तो हमारा घाटा। बट लेकिन ट्रेडिंग के अंदर दोस्तों आपको एक प्लस पॉइंट क्या मिलता है, सुनना ध्यान से, ट्रेडिंग के अंदर आप पहले बेच सकते हो, पहले बेच सकते हो बाद में खरीद सकते हो। अब बोलोगे भैया ये क्या बात हुई? अब मान के चलो भाई शेयर मार्केट बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बहुत बढ़ रहा है, आज की डेट में ही बढ़ रहा है, तो इन्वेस्टिंग से तो लाखों लोग पैसा बना रहे हैं। बट मान के चलो शेयर मार्केट गिर गया, क्या इन्वेस्टिंग करने से पैसा बनेगा? मतलब उस टाइम पे जिस टाइम पे गिर रहा होगा नहीं बनेगा, बट ट्रेडिंग से वहां पे पैसा बन सकता है। अगर मान के चलो आपको रातों रात पता चल जाए कि कल रिलायंस इंडस्ट्रीज 100 रुपया गिरने वाला है, आपको रातों रात पता चल जाए कि कल रिलायंस इंडस्ट्रीज 100 पॉइंट गिरने वाला है, तो क्या आप ट्रेडिंग से उसमें पैसा बना लोगे? हालांकि अगर आपके पास वो शेयर नहीं भी है तो भी आप पैसा बना सकते हो, समझना। आज की डेट में मान के चलो 2900 भाव चला है, आपको लग गया कि 2800 तक ये आ सकता है, तो आप 2900 के भाव पे पहले सेल कर सकते हो, 2800 के भाव पे खरीद सकते हो, इसके बीच का जो 100 रुपये का डिफरेंस आएगा ना, इसको आप एज ए प्रॉफिट बना सकते हो। अब वो डिपेंड करता है आपने 1000 शेयर लिया था, 1,00,000 शेयर लिया था, 100 शेयर लिया था, 10 शेयर लिया था या फिर 1 शेयर लिया था। ये सब जो प्रोसेस है ना, इसको हम ट्रेडिंग बोलते हैं। शेयर मार्केट के अंदर आप शेयर का अदल बदल कर रहे हो, आपने 100 पे खरीदा, 120 पे बेचा, 120 पे खरीदा लॉस हो गया, मान के चलो 110 पे बेचा, अगर मान के चलो आपने 100 रुपये में कोई शेयर खरीदा और 200 हो गया, 300 हो गया, तो उसमें तो आपका सोने पे सुहागा हो गया, तो वो प्रॉफिट होता है। अगर खरीदोगे तो प्रॉफिट, बेचने पे भी प्रॉफिट होता है। अगर आप बेचोगे ना और वो शेयर गिर गया, मान के चलो आपने पहले सेल किया किसी शेयर को और वो शेयर गिर गया, तो भी उस पर आपको प्रॉफिट हो सकता है। ये पावर होती है ट्रेडिंग की, तो एक प्लस पॉइंट है इन्वेस्टिंग से। हालांकि जब गिरेगा मार्केट तो आपका पैसा नहीं बनने वाला, तो आपका पैसा हालांकि थोड़ा बहुत आपको नेगेटिव दिखाएगा डे के अकॉर्डिंग, तो राइट। अब ट्रेडिंग कितने तरीके से होती है शेयर मार्केट के अंदर, ये भी देख लो, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ट्रेडिंग दोस्तों बहुत तरीके से होती है आज की डेट में, बट अपन ना कुछ इंपॉर्टेंट कवर करते हैं, क्योंकि जो हमारे मतलब की है। सबसे पहले इंट्राडे ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग। अब इंट्राडे ट्रेडिंग से समझो आप कि हम किसी शेयर को इंट्राडे में, यानी 9:15 पे मार्केट खुलता है, 9:15 से लेकर के 3:30 के बीच में हम किसी शेयर को खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, उसको अपन बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। अब इसके बाद होता है दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग, ठीक है, ऑप्शंस ट्रेडिंग।
अब ऑप्शंस ट्रेडिंग आज की डेट में मोस्ट पॉपुलर बन चुका है ट्रेडिंग के अंदर। अब ऑप्शंस के अंदर आप देखो दो तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हो, या तो आप इंडेक्स के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हो इंडेक्स ऑप्शन, दूसरा होता है दोस्तों स्टॉक्स ऑप्शन, ठीक है स्टॉक्स ऑप्शन। अब इस पर थोड़ा सा टाइम अपन लेंगे। अभी इंडेक्स क्या होता है समझना। अब जैसे आपने दोस्तों नाम सुना होगा निफ्टी 50, ठीक है आपने नाम सुना होगा निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, ठीक है बैंक निफ्टी, और इस तरीके से फिन निफ्टी, मिड कैप हो गया, ठीक है, और इसके अलावा बैंकैक्स हो गया, सेंसेक्स हो गया, बहुत से ऐसे इंडेक्स का आई थिंक आपने नाम सुना होगा। तो आज की डेट में बहुत सारे ऐसे इंडेक्स शेयर मार्केट के अंदर है। नॉर्मली अगर हम बात करें तो अपन लेते हैं सिर्फ और सिर्फ इन तीन इंडेक्स को जो कि NSE में लिस्टेड है, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी। अब निफ्टी 50 क्या है, जो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज हैं निफ्टी 50 के अंदर आती हैं। मतलब 50 मतलब हो गया जो इंडिया की टॉप लीडिंग कंपनीज हैं, जो मोस्ट पॉपुलर कंपनीज हैं वो निफ्टी 50 के अंदर आती हैं, राइट। इंडिया की टॉप 50 कंपनीज। बैंक निफ्टी के अंदर बैंकिंग सेक्टर की कंपनी आती है, फिन निफ्टी के अंदर फाइनेंस सेक्टर की कंपनीज आती हैं। तो ऐसे बहुत से इंडेक्स आज की डेट में हैं। अब क्या होता है कि भाई आप इंडेक्स के अंदर, अब मान के चलो आपको पता चल गया कि भाई आज ये इंडेक्स बढ़ने वाला है, आज भाई निफ्टी का प्राइस बढ़ने वाला है, ठीक है, तो निफ्टी के आप ऑप्शंस में ट्रेड करके पैसा बना सकते हो। अगर पता चलेगा बैंक निफ्टी का बढ़ने वाला, तो बैंक निफ्टी में आप ऑप्शंस में ट्रेड करके पैसा कमा सकते हो। भाई आपको पता चलेगा कि फिर निफ्टी गिरने वाला, तो फिर निफ्टी में आप पैसा बना सकते हो। अब ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर दोस्तों दो टाइप के ऑप्शन होते हैं, कॉल ऑप्शन और एक पुट ऑप्शन, ठीक है, कॉल ऑप्शन और एक पुट ऑप्शन। अब कॉल ऑप्शन जो होता है दोस्तों इसको डिनोट किया जाता है सीई से, और पुट ऑप्शन को डिनोट किया जाता है पीई से, यानी कॉल यूरोपियन और पुट यूरोपियन, ठीक है। तो अब सीई और पीई में कॉन्सेप्ट समझाता हूं। अब यहां पे ना थोड़ा सा बड़ा कॉन्सेप्ट है ये, थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपको समझना। अब देखो कॉल और पुट, ठीक है, ऑप्शंस के अंदर दो टाइप के ऑप्शंस होते हैं, कॉल और पुट। अब इन दो ऑप्शंस के अंदर क्या होता है, पहले अपन बाइंग की बात करते हैं। अब कॉल ऑप्शन का क्या मतलब हो गया, अगर मार्केट ऊपर जाएगा, सीधा समझो, अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो हम कॉल ऑप्शंस को खरीदते हैं, ठीक है, कॉल ऑप्शन को खरीदते हैं। अगर मान लो मार्केट नीचे जाएगा तो हम पुट ऑप्शंस को खरीदते हैं, बाय करते हैं, ठीक है, बाय करते हैं। अगर आपको लग जाए कि भाई आज शेयर मार्केट गिरने वाला है तो पुट ऑप्शन में बाय करके पैसा बनेगा, अगर आपको लग जाए कि आज मार्केट बढ़ने वाला है तो कॉल ऑप्शन में खरीद करके पैसा बनेगा। अब इसके अंदर भी दोस्तों बहुत से कॉन्सेप्ट हैं, आगे हम आने वाले वीडियोस में अंदर डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए आप इतना समझो। बट यहां पे दो टाइप के होते हैं दोस्तों, एक होता है बाइंग, ठीक है, ऑप्शन बाइंग, और एक होता है सेलिंग। सेलिंग के अंदर उल्टा होता है। अब जैसा कि मैंने बताया कि भाई ट्रेडिंग के अंदर आप पहले बेच सकते हो, बाद में खरीद भी सकते हो। अगर मान के चलो आपको लगता है कि भाई मार्केट ऊपर जाएगा तो आप पुट ऑप्शन को सेल कर सकते हो पहले। अगर सुनना, दो पहलू हैं, ये हो गए हमारे कॉल ऑप्शन, ये हो गए हमारे पुट ऑप्शन। अब मान के चलो मार्केट ऊपर जाएगा तो ये तो बढ़ेगा ना, बट ये तो गिरेंगे ना, ये वाले ऑप्शन तो, पुट ऑप्शन तो गिरेंगे ना। अब मान के चलो मार्केट ऊपर नीचे आ गया तो ये पुट ऑप्शन बढ़ेंगे, कॉल वाले गिरेंगे ना, कॉल वाले डाउन जाएंगे। तो इसमें उल्टा होता है सेलिंग के अंदर, बस ये समझो। अगर आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा तो ऑप्शन में हम पुट सेल करेंगे, अगर आपको लगता है मार्केट गिरेगा तो कॉल ऑप्शन को सेल करेंगे, यानी पहले सेल करके अपन पैसा बना सकते हैं। तो ये तो होगी दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग, अपन आने वाली वीडियोस में डिटेल में डिस्कस करेंगे, डरो मत, टेंशन फ्री रहो, अपन बेसिक समझ लेते हैं ना पहले, ठीक है। तो ये होगी हमारी ऑप्शन ट्रेडिंग, ठीक है, ऑप्शंस के अंदर ट्रेडिंग। अब इसके बाद दोस्तों हम यहां पे इसके अलावा भी आप कर सकते हो, देखो स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग के अंदर नॉर्मली क्या है कि आप किसी स्टॉक को 2-3-4-5 दिनों के लिए आप बाय करते हो या फिर सेल करते हो इंट्राडे के अंदर, वो सब स्विंग ट्रेडिंग के अंदर आता है, या फिर किसी ऑप्शन को आप 2-3 दिनों के लिए ले रहे हो वो एक स्विंग ट्रेडिंग के अंदर आता है। ETF के अंदर भी ट्रेडिंग होती है, हालांकि ये थोड़ा एडवांस हो जाएगा, अपन आने वाली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सो गाइस बेसिक कॉन्सेप्ट थे, कुछ ज़्यादा नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत टफ नहीं है। तो ये हमने अपने एक आप लोगों के लिए एक पहल स्टार्ट करी कि आप अगर सीखना चाहते हो तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, जो मैंने भी आपको बताया ना। आप देखो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर ना ऑप्शन चेन भी समझना होता है, कॉल पुट समझना होता है, स्ट्रेटजीज होती हैं वो स्ट्रेटजीज समझना होता है, इंट्राडे के अंदर किस स्टॉक को पिक करना चाहिए इंट्राडे के लिए, स्टॉक्स ऑप्शन के लिए बहुत सी चीज़ें हैं,
आने वाली वीडियो में ना स्टेप बाय स्टेप चलेंगे अपन, एकदम से नहीं कि आप बोलो कि भाई आज ही ऑप्शन चेन की वीडियो बता दो, आज ही आप ऑप्शन चेन से सीखना दिखा दो, तो गाइज इतना इजी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, अपन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। इसलिए आप वीडियो के साथ बने रहें, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और इस प्लेलिस्ट को सेव कर लो। प्लेलिस्ट का लिंक भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और जहाँ पे आप ये वीडियो देख रहे हो अपन क्या करो, आप चैनल पे जाओ, वहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसको आप सेव करके रखो, आने वाली सारी वीडियोस आपको इस प्लेलिस्ट के अंदर मिलने वाली है। तो आई होप दोस्तों आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और मिलेंगे आपको अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।